हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है आप सभी का स्टडी ज्ञान प्रकाश में अप्रैल 2020 से जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं खास तौर से खंड शिक्षा अधिकारी लेखपाल भर्ती आरआरबी एसएससी एस सुपर टेट और यू नेट जैसी परीक्षाओं के लिए तो सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे इसी एक वीडियो से यानी कि अप्रैल दो का यह एक मासिक वीडियो है और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे फैक्ट आपको मिल जाएंगे अप्रैल दो के तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने इसकी मांग करी थी इसलिए अब प्रत्येक माह आपको एक मासिक करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहेगा जिसमें हम पूरे महीने के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं अप्रैल माह के प्रमुख दिवस के बारे में जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में हर माह के जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो अप्रैल माह से जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज हैं उनको हम सबसे पहले देख लेते हैं इसके बाद आज का वीडियो शुरू करते हैं तो दो अप्रैल को क्या सेलिब्रेट किया गया विश्व जागरूकता दिवस के रूप में ठीक है पाँच अप्रैल को दो दिवस थे समता दिवस जो कि बाबू जगजीवन राम का जन्मदिन था और इसी के साथ राष्ट्रीय सामुदायिक दिवस के रूप में भी पाँच अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया छः अप्रैल दांडी सत्याग्रह दिवस और ग्राम स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया सात अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस और महिला चिकित्सा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया दस अप्रैल जल संसाधन दिवस और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाया गया आगे के जो पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे अब इस वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है कोविड नाइन्टीन से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की और इसका सही जवाब है भारतीय सेना ने जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें पूरी दुनिया में कोविड नाइन्टीन का प्रकोप चल रहा है तो इसमें दूरी ही आपके लिए एकमात्र बचाव है यानी कि हाथ मिलाने से बेहतर है कि आप नमस्ते करें इसके लिए भारतीय सेना ने आपरेशन नमस्ते की शुरुआत की है नमाई घोष का हाल ही में निधन हो गया जिनका संबंध था वो क्या थे तो नमाई घोष एक फोटोग्राफर थे यानी कि उनका ऑप्शन डी से संबंध है ठीक है फोटोग्राफर थे नमाई घोष और दो के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ज्यूरी के सदस्य भी थे सत्यजीत रे के साथ बीस वर्ष तक उन्होंने काम किया था और ये पद्मश्री विजेता भी थे ठीक है चलिए किस संस्थान ने अस्पताल में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए एक संक्रमण रोधी कपड़ा बनाया है जैसा कि आप जानते हैं कोविड नाइन्टीन में दूरी ही बचाव है तो डॉक्टर्स जो ऐसे मरीजों के संपर्क में आते हैं तो उनका जो कपड़ा होगा वही संक्रमण को रोकेगा और इस कपड़े को बनाया किसने आईआईटी दिल्ली ने तो ये आप जरूर याद रखना ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है किस राज्य ने अपने अड़तीसवें जिले के रूप में महिला दुतुरी जिला बनाया है महिला दुतुरी जिला किस राज्य ने बनाया है जो कि उसका अड़तीसवां जिला है तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों सही जवाब इसका ऑप्शन बी यानी कि तमिलनाडु ठीक है तो नागापट्टिनम से अलग होकर महिला दुतुरी तमिलनाडु का अड़तीसवां जिला बन गया है विश्व रंगमंच दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है सही जवाब इसका प्रत्येक वर्ष सत्ताईस मार्च को विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है नेक्स्ट लेकिन उसके पहले आप लोग जान लीजिएगा कि इसकी शुरुआत हुई थी 1961 सिक्सटी वन में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान के द्वारा ठीक है तो शुरुआत हुई थी विश्व रंगमंच दिवस की कब से नाइनटीन से प्रत्येक वर्ष सत्ताईस मार्च को इसे मनाया जाता है फ्लाइड कार्डोज़ फ्लाइड कार्डोज़ जिनका हाल ही में कोरोना वायरस के चलते निधन हो गया उनका संबंध किससे था खानसामा फुटबॉलर जिमनास्ट या फिर लेखक सही जवाब है, फ्रेंड्स इसका ऑप्शन ए वो एक कुक थे यानी कि एक खानसामा थे ठीक है न्यूयॉर्क के तबला द बॉम्बे कैंटीन द बॉम्बे स्वीट शॉप जैसे दस्तला के वो संचालक भी थे तो सही जवाब है कुक पाँच मिनट में कोरोना वायरस की पहचान करने वाला किट किस अमेरिकी कंपनी ने लॉन्च किया है तो सही जवाब इसका एबोट लेबोरेटरीज ने लॉन्च किया है इसे ऑप्शन ए इसका सही जवाब है नेक्स्ट होगा किस व्यक्ति ने लॉकडाउन के बीच फिट इंडिया प्रोग्राम के साथ भागीदारी की है तो फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है शिल्पा शेट्टी जो कि फिट इंडिया मोमेंट की फिटनेस आईकान है उन्होंने इक्कीस दिन के लॉकडाउन के दौरान वजन घटाने का कार्यक्रम मुफ्त में शुरू किया था जो कि शिल्पा सेट्टी ऐप पर दुनिया भर के लोगों के लिए मुफ्त में उपलब्ध होगा कौन सा अस्पताल कोविड नाइन्टीन रोगियों की मदद के लिए ह्यूमनाइड रोबोट पर परीक्षण कर रहा है यानी कि एक ऐसा रोबोट बनाया जाएगा जो कि रोगियों के निकट जाएगा उनकी रीडिंग लेगा दवा देगा और तमाम कार्य जो होते हैं वो करेगा तो ह्यूमराइड रोबोट पर परीक्षण कर रहा है सवाई मान सिंह अस्पताल जयपुर तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हुआ क्वेश्चन नंबर टेन पे आते हैं जोसेफ लोरी जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका संबंध किस क्षेत्र से था नागरिक अधिकार नेता अभिनेता चित्रकार या फिर पर्यावरणविद और सही जवाब है फ्रेंड्स इसका वो अमेरिका के एक नागरिक अधिकार नेता थे तो बस इतना ही जानिए इतना इंपॉर्टेंट है जोसेफ लोरी का संबंध अमेरिका से है और वो नागरिक अधिकार नेता थे ठीक है और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं यूनाइटेड नेशन द्वारा भारत की जीडीपी के बारे में क्या अनुमान लगाया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भारत की जीडीपी के बारे में क्या अनुमान लगाया गया है यानी कि भारत की जीडीपी जो है वो वित्तीय वर्ष 2020-2021 में कितनी रहेगी सही जवाब फ्रेंड्स इसका 4.8 परसेंट ठीक है तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी नेक्स्ट होगा देखिए कोरोना वायरस का प्रभाव आने वाले दिनों में पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है वहीं इसका गहरा प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत की जी वृद्धि दर घट कर परसेंट रहने का अनुमान है साथ ही रिपोर्ट में यह चेतावनी भी दी गई कि कोविड नाइन्टीन महामारी के चलते दुनिया भर में गंभीर आर्थिक परिणाम देखने को मिलेंगे और अगले वर्ष यानी कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वृद्धि दर ये 5.1 परसेंट रहने की बात यहाँ में कही गई है तो ये तस्वीर क्या पहचानते हैं ये हैं विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता तो इनका नाम क्या है याद रखिएगा कि विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है और ये हैं आई एफस, अनुराग श्रीवास्तव ठीक है याद रखिएगा इसको और इसी क्रम में नेक्स्ट होगा इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यानी कि आई डब्ल्यू एफ के आई एम एफ एस पी फुल फॉर्म होगा इंडिपेंडेंट मेंबर्स फेडरेशन सेंक्शन पैनल ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किन दो देशों को प्रतियोगिता में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है तो इसका सही जवाब क्या होगा थाईलैंड को और मलेशिया को ठीक है याद रखिएगा आई ने थाईलैंड और मलेशिया पर प्रतिबंध लगाया है थाईलैंड पर तीन वर्ष और मलेशिया को एक साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है नेक्स्ट है चार साल का मलयन टाइगर नादिया इस टाइगर का नाम क्या है नादिया नादिया में कोरोना वायरस के लक्षण मिले हैं नादिया ब्रोंग चिड़ियाघर में रहता है जो कि किस देश में है ब्रोंक्स चिड़ियाघर किस देश में है सही जवाब इसका दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि विकल्प ए इसका सही जवाब है ठीक है और नादिया कोरोना पॉजिटिव पाया जाने वाला पहला जानवर भी बन गया है सी आर पी एफ दिवस कब मनाया गया सी आर पी एफ दिवस ये कब मनाया गया छः अप्रैल सात अप्रैल नौ अप्रैल या फिर ग्यारह अप्रैल को सही जवाब इसका नौ अप्रैल को सी आर पी एफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका चौवनवा सी आर पी एफ दिवस मनाया गया नौ अप्रैल दो हजार बीस को और आपको पता होना चाहिए कि सौर दिवस मनाने की शुरुआत १९६५ से हुई है सी की स्थापना हुई थी २७ जुलाई उन्नीस को और इसके वर्तमान में प्रमुख हैं अतुल प्रताप माहेश्वरी यानी कि ए पी माहेश्वरी अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है एक अप्रैल तीन अप्रैल छः अप्रैल या फिर ग्यारह अप्रैल सही जवाब फ्रेंड्स इसका ऑप्शन छः अप्रैल सी इसका सही जवाब है 6 अप्रैल उन्नीस को प्रथम आधुनिक ओलंपिक का शुभारंभ हुआ था और 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे दुनिया में शांति को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने के लिए विश्व खेल दिवस के रूप में घोषित किया है ठीक है तो 6 अप्रैल याद रखिएगा सेफ प्लस ऋण योजना किस बैंक ने शुरू किया है सही जवाब इसका सिडबी सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इसके स्थापना हुई थी 1990 में चेयरमैन हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा हेडक्वाटर इसका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है भारत में कोविड 19 के टेस्ट के लिए पहली निजी लैब कौन सी है डॉक्टर लाल पैथ डॉक्टर डैंक्स लैब माई लैब या फिर सन फार्मास्यूटिकल्स सही जवाब फ्रेंड्स इसका ऑप्शन डॉक्टर डैंक्स लैब यानी कि बी ठीक है तो ये पहली निजी लैब है जो कि कोविड नाइन्टीन का परीक्षण करती है कौन सा संगठन चंद्रमा पर आर्मिटीज बेस कैंप स्थापित करने जा रहा है इसरो नासा ऐसा या फिर स्पेस एक्स सही जवाब इसका नासा ऑप्शन बी इसका सही जवाब है नासा चंद्रमा पर आर्मिटीज बेस कैंप स्थापित करने जा रहा है नासा के बारे में बात कर लेते हैं नासा इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यह एक अमेरिकी संस्था है अंतरिक्ष संस्था है और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका में उन्नीस से पहले कोई स्पेस एजेंसी नहीं थी उन्नीस से पहले जो स्पेस एजेंसी थी अमेरिका की उसका नाम था नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स यानी कि नाका नाका की स्थापना 1915 में हुई 1958 तक रहा उन्नीस के बाद नाका की जगह नासा आ गया ठीक है तो इतना आप याद रखिएगा नासा स्थापना हुई 29 जुलाई उन्नीस और इसका जो हेड क्वार्टर है जैसा कि आप जानते हैं वो कहाँ पर है वाशिंगटन डीसी में है नेक्स्ट होगा कि पी ये, यानी कि पर्सनल सैनिटेशन एनक्लोजर नामक चैम्बर किस संस्था ने बनाया है एक ऐसा चैम्बर है ये जिसमें मात्र 25 सेकंड में आपको सैनिटाइज कर दिया जाएगा ठीक है और इसे बनाया है किसने डीआरडीओ ने बनाया है तो डीआरडीओ के पीएससी एस चेंबर में प्रवेश के बाद पैर से एक पैडल चलाने चलाएंगे आप तो उसके बाद उसमें एक वॉश निकलेगी जो कि होती है हाइपोसोडा क्लोराइड की ठीक है हाइपोसोडा क्लोराइड की एक वाश निकलेगी और इसमें पच्चीस सेकेंड में आप बिल्कुल मतलब बैक्टीरिया फ्री हो जाएंगे वायरस फ्री हो जाएंगे आप तो ये मतलब ये बॉक्स है इसमें आपको जाना होता है पच्चीस सेकेंड का आपको इसमें टाइम मिलता है टाइम लगता है ठीक है इसी क्रम में नेक्स्ट है कि नेशनल मारी टाइम डे कब मनाया गया नेशनल मारी टाइम डे ये कब मनाया गया तो नेशनल मारी टाइम डे ये प्रतिवर्ष पाँच अप्रैल को मनाया जाता है ठीक है और इसकी शुरुआत हुई थी उन्नीस से 2020 की थीम क्या रही नेशनल समुद्र दिवस यानी कि नेशनल मारी टाइम डे की थीम 2020 की रही यह इसका छप्पनवा एडिशन था जिसके लिए थीम क्या रखी गई थी इंडियन ओशियन एंड ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटी ठीक है तो इसको आप जरूर याद रखिएगा सॉरी इंडियन ओशियन एंड ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटी ये थीम 2019 की थी ठीक है और 2020 की जो थीम है उसका नाम है सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लानट ठीक है तो 2020 की थीम सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लानट है जबकि 2019 की थीम थी इंडियन ओशियन एंड ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटी शुरुआत इसकी हुई है 1964 से प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को नेशनल समुद्र दिवस मनाया जाता है अरविंद केजरीवाल द्वारा घोषित फाइव टी योजना का हिस्सा नहीं है जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली में कोविड 19 के प्रकोप को रोकने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा एक फाइव टी प्लानिंग की गई है तो उसमें टेस्टिंग है ट्रेसिंग है टीम वर्क है लेकिन टेस्टिफाई नहीं है तो इस फाइव टी में क्या क्या शामिल है इसमें टेस्टिंग ट्रेसिंग ट्रीटमेंट टीम वर्क और ट्रैकिंग शामिल है टेस्टिफाई नहीं है और इसकी शुरुआत सात अप्रैल दो हज़ार बीस को की गई है ठीक है नई दिल्ली में किस राज्य सरकार ने अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल शुरू किया है अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल ये शुरू किए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्नपूर्णा पोर्टल खाद्य उत्पादों और पैकेटों के बारे में जानकारी तथा आपूर्ति मित्र पोर्टल आवश्यक खाद्य आपूर्ति की मुफ्त होम डिलीवरी के लिए ये पोर्टल बनाए गए हैं क्रिकेट की बाइबल कही जाने वाली पत्रिका विजडन ने लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड 2020 किसे चुना है याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड 2020 चुना गया है बेन स्टोक्स को क्या आप बता सकते हैं कि बेन स्टोक्स किस देश से संबंधित हैं किस देश के खिलाड़ी हैं तो दोस्तों इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हैं बेन स्टोक्स जिनको ब्रिजन क्रिकेट के आलमनैक के 2020 के एडिशन में लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है स्टोक्स के दम पर ही इंग्लैंड ने दो में आई वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया था इसके अलावा स्टोक्स ने एस सीरीज़ में हेडिंगले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच विनिंग पारी भी खेली थी पिछले लगातार तीन साल से टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड चुना जाता था तो जैसा कि मैंने कहा कि कुछ भी सदैव नहीं रहता और शीर्ष पर हमेशा बहुत अधिक फिसलन होती है तो तीन साल से लगातार विराट कोहली के स्थान को छीन लिया गया है बेन स्टोक्स के द्वारा किस राज सरकार ने ऑपरेशन सील्ड की शुरुआत की है ऑपरेशन सील्ड ये ऑपरेशन भी कोविड नाइन्टीन के प्रसार को रोकने में मददगार रहेगा और ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है दिल्ली में ठीक है सील्ड का फुल फॉर्म क्या होगा सील्ड मतलब सीलिंग होम क्वारंटाइन आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट एंड एसेंशियल सर्विसेज लोकल सैनिटाइजेशन एंड डोर टू डोर सर्वे ये इसको इंडिकेट करता है सील्ड ठीक है विश्व बौद्धिक संपदा की सूची में 2019 में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है तो इसका सही जवाब होगा विश्व बौद्धिक संपदा की सूची में 2019 में पहले स्थान पर चाइना है हालांकि लगातार पिछले चार सालों से या पिछले कई सालों से अमेरिका इस पर शीर्ष पर था लेकिन अब उसकी जगह चीन ने ले लिया है ठीक है तो विश्व बौद्धिक संपदा की सूची में चीन 2019 में पहले स्थान पर पहुंच गया अभी तक यह रिकॉर्ड अमेरिका के नाम था अमेरिका ने कुल सत्तावन आवेदन किए थे जबकि चीन ने अट्ठावन हज़ार नौ सौ नब्बे आवेदन कर कर अमेरिका का चार दशकों का स्थान ले लिया है चार साल नहीं चार दशक चालीस साल का स्थान ले लिया किसने चाइना ने विश्व बौद्धिक संपदा यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना नाइनटीन में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने की थी इसका क्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इसके जो हेड हैं इनका नाम क्या है फ्रांसिस गुरी आप यहां पर देख सकते हैं ये चौथे डीजी हैं ठीक है फ्रांसिस गुरी चरक नामक मोबाइल डॉक्टर बूथ की शुरुआत किस संस्थान द्वारा की गई है चरक नामक मोबाइल डॉक्टर बूथ की शुरुआत किस संस्थान द्वारा की गई है सही जवाब है दोस्तों इसका भारतीय रेल यानी कि विकल्प बी इसका सही जवाब है वेस्ट सेंट्रल रेलवे कोच रिहेलवेशन वर्कशॉप यानी कि सी मध्य प्रदेश भोपाल ने एक कोरोना पेशेंट और डॉक्टर के बीच फिजिकल कांटेक्ट को कम करने के लिए एक चैम्बर बनाया है इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले भी जाया जा सकता है ठीक है ये है चैम्बर। आप इसको देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान किस मंत्रालय की शुरुआत है भारत पढ़े ऑनलाइन तो ये अभियान शुरू किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा ठीक है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है और एच मिनिस्टर कौन है रमेश पोखरियाल निशंक उन्होंने एक सप्ताह के लिए सभी के विचारों को एकत्र करने के लिए ये अभियान ये कंपैरिजन शुरू किया था जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन पर लोगों के विचारों को एकत्र किया गया हाल ही में नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाया गया नेशनल सेफ मदरहुड डे हाल ही में कब मनाया गया ते तो प्रतिवर्ष मनाया जाता है ग्यारह अप्रैल को ठीक है गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की उचित देखभाल और प्रसव संबंधी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल ग्यारह अप्रैल को कस्तूरबा गांधी की जयंती पर राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है ठीक है नवीनतम फीफा रैंकिंग में शीर्ष देश कौन सा है शीर्ष देश टॉप पर कौन सा देश है तो टॉप पर है बेल्जियम भारत के बारे में अगर बात करें तो इस रैंकिंग में इंडिया की पोजिशन अभी 108 है ठीक है इंडिया 108 पहले स्थान पर बेल्जियम है दूसरे स्थान पर फ्रांस तीसरे स्थान पर ब्राज़ील तो ये लिस्ट आप लोग याद रखिएगा इसके बाद भारत ने किस देश को पचास हजार टन गेहूँ देने का यानी कि निर्यात करने की घोषणा की है सही जवाब है पचास हजार टन गेहूँ देगा भारत अफगानिस्तान को और इसके अलावा देखेंगे तो चालीस हजार टन गेहूँ भारत और भी देगा किसको देगा लेबनान को ठीक है तो कुल मिला के नब्बे हज़ार टन गेहूं का निर्यात भारत अफगानिस्तान और लेबनान को करने जा रहा है ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू आते हैं जैकी ग्रीज का हाल ही में निधन हो गया जिनका संबंध किससे है राजनीत लेखन फिल्म या फिर क्रिकेट जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर जैकी ग्रीज का 9 अप्रैल को सतहत्तर वर्ष की आयु में निधन हुआ और उन्हें दिल की बीमारी थी ठीक है तो वो क्या थे क्रिकेटर थे अपने कर्मचारियों को कोविड नाइन्टीन का परीक्षण हेतु प्रयोगशाला का निर्माण कौन करेगा फ्लिपकार्ट अमेजन गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट सही जवाब फ्रेंड्स इसका ऑप्शन बी यानी कि अमेजन ये कार्य करने जा रहा है तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है विश्व के टॉप ट्वेंटी प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर हैं एक शहर दो शहर तीन या फिर चार सही जवाब है विश्व के टॉप ट्वेंटी प्रदूषित शहरों में भारत के दो शहर हैं और ये दोनों शहर कौन कौन से हैं मुंबई और कोलकाता आई ए डाटा के अनुसार विश्व के टॉप ट्वेंटी प्रदूषित शहरों में भारत के मुंबई और कोलकाता में हैं जबकि 2019 में भारत के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 14 शहर थे विश्व के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 14 थे 2019 में पिछले साल इस साल मात्र दो हैं तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि है एक तरीके से जब कोई भी आपदा आती है तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पक्ष होता है तो यहाँ पर जो महामारी चल रही है उसका ये पॉजिटिव पक्ष है कि प्रदूषण में कमी तो काफ़ी आ रही है और हेल्थ इंश्योरेंस शुरू करने के लिए आई सी के साथ किस ऑनलाइन कमर्शियल कंपनी ने समझौता किया है तो ये समझौता किया गया है किसके द्वारा ये समझौता हुआ है फ्लिपकार्ट के द्वारा तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही जवाब है ठीक है आईसीआईसीआई सी लाम्बार्ड गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस ऑफ फ्लिपकार्ट ने इन्होंने बताया है कि कोरोना वायरस से जुड़ी हेल्थ पॉलिसीज की पेशकश के लिए ये साथ आए हैं और इस कवर में आसाम क्लेम अस्पताल का खर्च रूम या आईसीयू का किराया एम्बुलेंस सहायता और टेलीफोन पर परामर्श भी शामिल होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और ये प्रश्न जरूर आप याद रखना अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आई एल ओ की स्थापना कब हुई थी 1946 में हुई थी तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में इसके एक देश इसके सदस्य हैं ठीक है अध्यक्ष कौन है अध्यक्ष हैं आई एल ओ के जुआन सुमाबिया आई एल ओ के अध्यक्ष हैं जुआन सुमाबिया और इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से उन्नीस में किसको ILO को सम्मानित किया गया था ठीक है और संयुक्त राष्ट्र श्रम संगठन की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वर्तमान में जो स्थितियां चल रही हैं उसके मुताबिक भारत में लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा में फंस सकते हैं तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है पॉलिसी बाज़ार के नए सी कौन बन गए हैं ये तस्वीर अगर आप पहचानते होंगे तो आप बता देंगे सही जवाब है इसका सौरबीर सिंह ठीक है सरबीर सिंह पॉलिसी बाज़ार के नए सी बनाए गए हैं नेक्स्ट है कि कोविड ज्ञान विज्ञान आधारित वेब पोर्टल का हिस्सा नहीं है कोविड ज्ञान विज्ञान आधारित वेब पोर्टल का हिस्सा आईआईटी बॉम्बे नहीं है तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है तो यहाँ पर टीआईएफआर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और टाटा मेमोरियल सेंटर और आई आई एस सी बेंगलोर ये तीनों जो संस्थान हैं ये कोविड ज्ञान विज्ञान आदि पोर्टल का हिस्सा है कोविड नाइन्टीन के लिए यह एक प्रमाणिक जानकारी देने का स्रोत है कोविड ज्ञान वेबसाइट ठीक है वर्चुअल जी ट्वेंटी समिट की अध्यक्षता करने वाला देश कौन सा है वर्चुअल जी ट्वेंटी समिट की अध्यक्षता किसने की है सही जवाब है इसका सऊदी अरेबिया ने ऑप्शन बी सऊदी अरब जो कि जी ट्वेंटी का वर्तमान अध्यक्ष है सऊदी अरब ने भारत के आह्वान पर वर्चुअल जी ट्वेंटी समिट की अध्यक्षता की है बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज ने की इसमें आई ई ई और ओपेक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों और जी ट्वेंटी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था दस अप्रैल को संपन्न इस बैठक में भारत की ओर से धर्मेंद्र प्रधान श्री धर्मेंद्र प्रधान ने पार्टिसिपेट किया धर्मेंद्र प्रधान जो कि वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय ठीक है आगे बढ़ते हैं सियाचिन दिवस भारतीय सेना के निम्नलिखित में से किस अभियान को स्मरण करने का दिवस है सियाचिन दिवस तो ये ऑपरेशन मेघ दूत से संबंधित है ऑपरेशन मेघ दूत क्या है तो फ्रेंड्स इसके बारे में भी जान लीजिए भारत की रणनीति में यहाँ युद्ध कभी भी नहीं था पर जुलाई उन्नीस में कराची एग्रीमेंट में खींची गई सरहद को लेकर कुछ स्पष्ट भी नहीं था इसके बाद 1972 के शिमला समझौते के वक्त भी सियाचिन को बेजान और इंसानों के लायक नहीं समझा गया लिहाजा समझौते के दस्तावेजों में सियाचिन में भारत पाक के बीच सरहद कहाँ होगी इसका जिक्र नहीं था लेकिन 80 के दशक की शुरुआत में जियाउल हक के फौजी शासन के दौरान पाकिस्तान ने सियाचिन का रणनीतिक और सामरिक महत्व समझा और इस पर कब्जा जमाने के लिए देश विदेश के पर्वतारोही दलों को भेजना शुरू कर दिया पाकिस्तान की नज़र तैंतीस हज़ार किलोमीटर फैले इस इलाके पर थी भारत सरकार की आंख तब खुली जब पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्ज़े की तैयारी की पाकिस्तान ने यूरोप में बर्फीले क्षेत्र में पहने जाने वाले खास तरह के कपड़ों और हथियारों का बड़ा ऑर्डर दिया था सेना इस सूचना से चौकन्ना हो गई और सियाचिन की तरफ पूछ कर दिया इस तरह लॉन्च हुआ था ऑपरेशन मेघ दूत इसकी शुरुआत हुई थी तेरह अप्रैल उन्नीस को ठीक है तो इसीलिए तेरह अप्रैल को प्रतिवर्ष ये दिवस सियाचिन दिवस के रूप में मनाया जाता है ऑपरेशन मेघ दूत कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सप्तपदी का शुभारंभ किया गया है किसके द्वारा सप्तपदी तो ये शुरुआत की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सप्तपदी क्या है देखिए घर के वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों को मानते हुए प्रतिरक्षा को बढ़ावा देना सतर्कता हेतु आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना गरीब और ज़रूरतमंद की सहायता और मदद नौकरी में कटौती न करना और वेतन कटौती न करना सहकर्मियों के प्रति करुणा का भाव और हेल्थ केयर और कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करना ये हैं सप्तपदी ब्रेक द कोरोना चेन सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम किसकी पहल है इफको नस्लें पतंजलि फूड या फिर अन्य सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि ये पहल इफको के द्वारा की गई है सैनिटाइजेशन सोशल डिस्टेंसिंग हेल्दी डाइट मास्क आदि पर जोर इसमें दिया जा रहा है जिसके लिए साठ से अधिक शिविरों का आयोजन किया गया है नेक्स्ट है आई के बारह सदस्यीय बाहरी सलाहकार समूह एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप में किसे शामिल किया गया है एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप में शामिल किए गए हैं रघुराम राजन ऑप्शन सी इसका सही जवाब है आईएमएफ की प्रबंध निदेशक कौन है कृष्णलीना जारजीवा और आईएमएफ फाउंडेड कब हुआ था 1945 में और हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन डीसी में भारत का रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया गया एम्स दिल्ली ऋषिकेश एम्स आई बॉम्बे या फिर आई कानपुर सही जवाब ऑप्शन बी है ऋषिकेश एम्स तो दोस्तों भेल के सहयोग से ऋषिकेश में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है और इससे दूर से ही शरीर के तापमान की माप की जा सकती है किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का पहला जानवरों का क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है मैंने अभी आपको बताया था कि अमेरिका के एक चिड़ियाघर में एक बाघ संक्रमित हुआ था कोविड नाइन्टीन से उसके बाद भारत में भी एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें जानवरों के लिए पहला क्वारंटीन सेंटर बनाया गया और ये है जिम कार्बेट नेशनल पार्क ऑप्शन बी इसका सही जवाब है याद रखिएगा और जिम कार्बेट नेशनल पार्क के निदेशक राहुल ने आई ए एन एस को बताया कि मनुष्यों से जानवरों में पहली बार आए इस संक्रमण से सतर्कता बढ़ती जा रही है तो जो बाघ आबादी के निकट चले जाते हैं तो उनके लिए ये योजना बनाई गई कि उनको क्वारंटीन किया जाए कोलाइव सी का शुभारंभ किया गया है किसके द्वारा नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन या फिर एन के द्वारा सही जवाब है इन तीनों संस्थाओं ने मिलकर कोलाइव सी का शुभारंभ किया है याद रखिएगा नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन और एन के द्वारा कोलाइव सी का कोलाइव कैड का शुभारंभ किया गया नेक्स्ट होगा युक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया है किस मंत्रालय के द्वारा सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा युक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया युक्ति का फुल फॉर्म क्या है यंग इंडिया कम्बाइंग यंग इंडिया कॉम्बिंग काउंटिंग विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन और इस पहल का उद्देश्य कोविड नाइन्टीन महामारी को व्यापक रूप से कवर करना है विभिन्न संस्थानों को प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है विश्व होम्योपैथी दिवस 2020 की थीम क्या है विश्व होम्योपैथी दिवस 2020 की थीम क्या है सही जवाब इसका ऑप्शन ए यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में होम्योपैथी के दायरे को बढ़ाना ठीक है तो याद रखिएगा इसको और आपको बता दें कि विश्व होम्योपैथी दिवस ये प्रतिवर्ष दस अप्रैल को मनाया जाता है क्यों क्योंकि इसी दिन जर्मन फिजिशियन और होम्योपैथी के जन्मदाता कहे जाने वाले डॉक्टर सैमुअल हनीमैन की जयंती होती है डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के ट्विटर अभियान का चेहरा किसे बनाया गया है सही जवाब ऑप्शन बी यानी कि अमिताभ बच्चन को अभियान के माध्यम से नेफ्ट यू पी और बी जैसे डिजिटल भुगतान मोड को बढ़ावा दिया जा रहा है अगला प्रश्न होगा प्ले सेफ एंड प्ले ट्रू डे 2020 किस संगठन द्वारा है? मनाया गया और इसे मनाया गया वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि वाडा के द्वारा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा के द्वारा इसे मनाया गया वाडा का फुल फॉर्म कहां पर है सॉरी वाडा का हेडक्वार्टर कहां पर है मॉन्ट्रियल कनाडा में ठीक है और वाडा का फुल फॉर्म, अभी भी मैंने आपको बताया, याद रखिएगा वाडा मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ठीक है और इसे प्रतिवर्ष 9 अप्रैल को मनाया जाता है यह भी आप याद रखना वर्मिटेड हर्बल दवा किस संगठन द्वारा विकसित की गई है वर्मिटेड जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि वर्म का इलाज करती होगी सही जवाब इसका ऑप्शन ए यानी कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के द्वारा ये दवा बनाई गई है वर्मिटेड नामक दवा वर्म का इलाज करने के लिए रासायनिक विधियों का विकल्प है पशुधन में एंडोपैरासाइड कीड़े का उपचार वर्मिटेड द्वारा किया जाता है और इसके लिए एक पेटेंट भी दायर किया गया है कला दिवस कब मनाया जाता है विश्व कला दिवस तो दोस्तों इसका सही जवाब है पंद्रह अप्रैल ऑप्शन सी कला की समृद्धि का जश्न मनाने और रचनात्मक गतिविधि के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट यानी कि आई ए ए पंद्रह अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में मनाती है यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2020 के रूप में घोषित किया है किस शहर को सही जवाब इसका ऑप्शन सी यानी कि कुआलामपुर ठीक है कुआलालमपुर को और क्वालमपुर कहाँ है ये मलेशिया में है और विश्व पुस्तक दिवस ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है विश्व पुस्तक दिवस वर्ल्ड बुक डे तो याद रखना वर्ल्ड बुक डे हर वर्ष तेईस अप्रैल को मनाया जाता है ठीक है तो ये भी आप याद रखना अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ के नए उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं सही जवाब है राकेश शर्मा राकेश शर्मा कौन है राकेश शर्मा बजाज ऑटो के सीईओ हैं और अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ ये जो संगठन है वो जिनेवा बेस्ड है और उसके ये उपाध्यक्ष बनाए गए हैं ठीक है राकेश शर्मा नेक्स्ट होगा ऑनलाइन एजुकेशन ऐप संपर्क दीदी किस प्रदेश ने लॉन्च किया है तो एक्चुअली वो संपर्क दीदी दीदी से लग रहा होगा कि पश्चिम बंगाल लेकिन नहीं इसका संबंध है उत्तराखंड से तो ये ज़रूर आप याद रखना ठीक है संपर्क दीदी का संबंध उत्तराखंड से न कि पश्चिम बंगाल से किस देश में भांग को औषधि उपयोग की मान्यता दे दी गई है तो जैसा कि आप जानते हैं कि लेबनान में जो अर्थव्यवस्था को मेंटेन करने के लिए वहां पर भांग को औषधि उपयोग की मान्यता दी गई है ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा भारत का पहला मोबाइल वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पर स्थापित की गई है तो दोस्तों इसका सही जवाब है हैदराबाद यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में अपनी तरह की पहली मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी का उद्घाटन किया था कोरोना की जांच के लिए देश में पहली ऐसी लैब तैयार की गई है जिसे रक्षा से जुड़े रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डी ने तैयार किया है कहाँ पर हैदराबाद में जी ट्वेंटी कृषि बैठक जो हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई है में भारत की अध्यक्षता किसने की थी जी ट्वेंटी कृषि मंत्रियों की बैठक हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई अध्यक्षता की है नरेंद्र सिंह तोमर ने नरेंद्र सिंह तोमर कौन है इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर किस संगठन ने दावा किया है कि भारत में वायु प्रदूषण 20 साल के निम्नतर स्तर पर है सही जवाब है इसका ऑप्शन ए ये दावा नासा के द्वारा किया गया है नासा के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अम्बुबाची मेला जिसे कोविड नाइन्टीन की वजह से इस राज्य ने स्थगित कर दिया है तो जैसा कि आप जानते हैं कामाख्या मंदिर है असम में तो वहाँ पर अम्बुबाची मेला लगता है और 2020 में इसे कोविड 19 की वजह से स्थगित कर दिया गया है तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है हाल ही में उषा गांगुली का निधन हो गया जिनका संबंध था क्या वो अभिनेत्री थी गायिका राजनीति नहीं वो एक निर्देशक थी इनका संबंध वेस्ट बंगाल था वो रंगमंच की कर्मी और निर्देशक थी तो ऑप्शन बी इसका ज़्यादा सही जवाब है माई बुक माई फ्रेंड अभियान की शुरुआत किसने की है माई बुक माई फ्रेंड की शुरुआत किसने की है सिक्सटी थ्री सही जवाब इसका एम एच आर डी ने ऑप्शन बी एम एच आर डी मंत्री कौन है रमेश पोखरियाल निशंक हाल ही में एलिजा फिरोजा ने वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्सन को हराकर बंटर ब्रिड्स कप 2020 जीत लिया है एलेजा फिरोजा किस देश की हैं सही जवाब इसका तो क्या होगा ऑप्शन बी ये हैं ईरान की याद रखिएगा नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय द्वारा हाल ही में एजुकेशन फॉर जस्टिस के अंतर्गत भारत में शुरू की गई सीरीज कौन सी है संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय द्वारा हाल ही में एजुकेशन फॉर जस्टिस के अंतर्गत भारत में शुरू की गई सीरीज का नाम है लॉकडाउन लर्नर्स ऑप्शन सी नेक्स्ट हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से स्थगित वर्ल्ड गेम्स के नए टाइटल्स व लोगों का अनावरण किया गया वर्ल्ड गेम 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा तो दोस्तों वर्ल्ड गेम 2022 का आयोजन कहां पर होगा बर्मिंगम अमेरिका में तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन है कि, कि किस राज्य सरकार ने आपथा मित्र हेल्पलाइन की शुरुआत की है आपथा मित्र हेल्पलाइन और ये हेल्पलाइन कौन सी है चौदह चार सौ दस अगर कोई व्यक्ति कोविड नाइन्टीन से पीड़ित है तो वह इस पर हेल्प मांग सकता है और ये हेल्पलाइन जारी की गई है कर्नाटक के द्वारा नेक्स्ट होगा विद्यादान टू पॉइंट जीरो किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है विद्यादान टू पॉइंट ज़ीरो किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है सही जवाब है फ्रेंड्स इसका मानव संसाधन विकास मंत्रालय ऑप्शन सी निम्न कथनों पर विचार कीजिए उसके बाद जो सही कथन है उसको चुनिए तो विश्व बैडमिंटन महासंघ ने पीबी सिंधु सहित आठ खिलाड़ियों को आईएम बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर चुना है सही है जी हाँ सिंधु के अलावा कनाडा के मिसेली चीन के झेंगसी वेई और हुआंग या क्यूंग ओंग इंग्लैंड के जैक सेफर्ड जर्मनी के वालेस्का नोब्लाज हांगकांग के चान हो यूएन और जर्मनी के मार्क जेबलर इसमें शामिल हैं ये सही है हाँ पीबी सिंधु बैडमिंटन विश्व चैम्पियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय हैं क्या ये सही है हाँ यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है नेक्स्ट है विलियम ई कोलमी पुरस्कार 2020 हजार बीस किसे प्राप्त हुआ है शशि थरूर विक्रम सिंह एडम हिगिन बोथम तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी एडम हिगिन बोथम को उनकी किताब है मिडनाइट इन चरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया है और इसी पुस्तक ने पहले अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के एंड्र्यू कार्नेगी मेडल फॉर एक्सलेंस इन नॉन फिक्शन को भी जीता है ठीक है तो काफ़ी अच्छी किताब है ये मिडनाइट इन चरनोबिल नेक्स्ट होगा सैन्य उपग्रह नूर किस देश ने लॉन्च किया है तो सैन्य उपग्रह नूर को लॉन्च किया है ऑप्शन बी ईरान ने ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कार्प्स यानी कि आईआरजीसी ने पिछले हफ्ते अपनी पहली सैन्य उपग्रह नूर यानी कि लाइट को पृथ्वी की कक्षा में भेज दुनिया को चौंका दिया है यह उपग्रह कासद या, या मैसेंजर के नाम से पहले के एक अज्ञात प्रक्षेपण यान पर सवार था और राजधानी तेहरान के पूर्व में सेमनान प्रांत में एक सैनिक अड्डे से तैनात किया गया था नेक्स्ट होगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो कि मनाया जाता है चौबीस अप्रैल को याद रखिएगा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये प्रतिवर्ष चौबीस अप्रैल को मनाया जाता है जिसके अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना की शुरुआत की है तो क्या ये सही है हाँ ये सही है यह पोर्टल व ऐप ग्राम पंचायतों को विकास योजनाओं को तैयार करने और निष्पादन में मदद करेगा सही ई ग्राम स्वराज पोर्टल व स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय के अधीन कार्य करेगी सही यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हैं खोंग जोम दिवस किस राज्य में मनाया जाता है ये अगला सवाल है खोंग जोम दिवस ये प्रत्येक सॉरी खोंगजोम दिवस किस राज्य में मनाया जाता है तो इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स इसका सही जवाब है असम मणिपुर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में से क्या होगा मणिपुर ठीक है याद रखिएगा तेईस अप्रैल को दो हजार बीस को मणिपुर राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया और इस दिवस के द्वारा एट्टीन नाइन्टी वन में एंग्लो मणिपुर युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी गई एंग्लो मणिपुर युद्ध ब्रिटिश सरकार और मणिपुर साम्राज्य के बीच एक सशस्त्र संघर्ष था यह युद्ध 31 मार्च से लेकर 27 अप्रैल अठारह के बीच लड़ा गया और इस युद्ध में अंग्रेज जीत गए थे यह लड़ाई मणिपुर के खोंगजोम की खेबा पहाड़ियों पर लड़ी गई थी और इसलिए इसका नाम खोंगजोम दिवस या खोंगजोम युद्ध रखा गया है नेक्स्ट होगा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है केबुल लामजाओ सही जवाब इसका क्या होगा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ ये मणिपुर में स्थित है ठीक है कहाँ है मणिपुर में फिच रेटिंग्स ने वर्ष 2020-21 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है तो दोस्तों फिच रेटिंग्स ने ये अनुमान लगाया है जीरो पॉइंट एट परसेंट का यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है फिज का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है ये आपके लिए एक एक होमवर्क है इसका आप हमें कमेंट करके बताइए ठीक है जवाब इसका आप हमें कमेंट कीजिए और फिज रेटिंग्स यू के खैर यहाँ पर आपको जवाब भी मिल गया तो छोड़ देते हैं इसको मुख्य अर्थशास्त्री ब्रैन कुलटन ने कहा है कि विश्व जीडीपी के 2020 में तीन दशमलव नौ प्रतिशत गिरावट का अनुमान है जिसका असर उन्नीस की सॉरी 2009 की मंदी के मुकाबले दोगुना होगा 2009 में जो मंदी आई थी उसके मुकाबले दोगुना असर होगा वर्तमान में कोविड 19 ने सारी दुनिया को हिला रखा है आप जानते होंगे भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि सी के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की विकास दर कितनी बताई गई है तो सी के अनुसार भारत की विकास दर दो हज़ार के लिए होगी जीरो से वन के बीच तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है चीन के मानव रहित मंगल अन्वेषण मिशन का नाम क्या है मानव रहित मंगल अन्वेषण मिशन का नाम है तियानवेन वन अब यहाँ पर कई प्रश्न बनते हैं चीन ने अपना पहला उपग्रह कब अंतरिक्ष भेजा था सही जवाब है नाइनटीन सेवेंटी में पहला उपग्रह कौन था चीन का उसका नाम क्या था डांग फांग हिन वन चीन की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी है यानी कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सी एन एस ए है और इसका सही जवाब है कि चीन के मानव रहित मंगल अन्वेषण मिशन का नाम है तियानवेन वन वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्या है ई e कॉमर्स कंपनी है एक बैंकिंग कंपनी है सही जवाब है ऑप्शन बी ये कच्चे तेल का एक ग्रेड है वेस्ट ट्रेड इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट तो इसको डब्लू टी आई से भी इंडिकेट किया जाता है नेक्स्ट होगा वह बैंक जिसने गूगल असिस्टेंट और अलेक्सा पर वॉयस बैंकिंग सेवा शुरू की है सही जवाब इसका फ्रेंड्स ऑप्शन सी आईसीआईसीआई बैंक ने यह सेवा शुरू की है किस उद्योग को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया गया है किस उद्योग को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया गया है तो ये है ऑप्शन बी यानी कि अब बैंकिंग उद्योग अगले छः महीने तक अक्टूबर 2020 तक इसके जो कर्मचारी होंगे वो हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है विश्व मलेरिया दिवस 2020 की थीम क्या है दोस्तों 2019 और 2020 की थीम एक ही है और ये थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मे ठीक है अब आप बताइए कि विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2020 की थीम क्या है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2020 की थीम है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है चरनोबिल डिजास्टर डे के रूप में मनाया जाता है कब 26 अप्रैल ये घटना कब घटी थी 26 अप्रैल 1986 में घटी थी जीवन शक्ति योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसमें जो शहरी महिलाएं होंगी वो एक नंबर पर कॉल करेंगी उन्हें 200 मास्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ऑफिस सरकार उसे खरीदेगी उनको कितने रुपए प्रति मास ग्यारह रुपए के हिसाब से तो जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश सरकार की शुरुआत है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2020 की थीम क्या है जैसा कि आप जानते हैं विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है ये आपको बताना है ठीक है और इसकी थीम क्या है पावर चेंज वोमेन इन इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है थीम क्या है पावर इन चेंज वोमेन इन इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने कृषि क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी मांग ऋण लॉन्च किया है और इस प्रश्न का सही जवाब है इंडियन ओवरसीज बैंक यानी कि ऑप्शन डी कोविड नाइन्टीन की वजह से रद्द किए गए युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक को कौन आयोजित करता है पिच ब्लैक तो इसका आयोजन करता है ऑस्ट्रेलिया ठीक है और इंडिया इस युद्ध अभ्यास में 2018 से पार्टिसिपेट कर, कर रहा है ये भी आप लोग याद रखिएगा और आप इस पिच ब्लैक का आयोजन 1981 से ऑस्ट्रेलिया कर रहा है 1981 से और यह एक द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है ये भी आप याद रखना नेक्स्ट है विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस 2020 का मुख्य विषय क्या है विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस 2020 का मुख्य विषय यानी कि थीम क्या है ठीक है तो विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है ये प्रतिवर्ष अट्ठाईस अप्रैल को मनाया जाता है ये आप याद रखना और इसकी थीम क्या है इसकी थीम है स्टॉप द पैंडामिक सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैंड सेव लाइफ तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है इसकी शुरुआत पहली बार हुई थी 2003 में और इसे जो है आई एल ओ ठीक है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है फर्स्ट वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी किस देश ने की है फर्स्ट वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी किस देश ने की है तो दोस्तों ये मेज़बानी की गई है जर्मनी के द्वारा विकल्प सी इसका सही जवाब है और यह पीटर्सबर्ग जलवायु डायलॉग का ग्राहमा सेशन था जिसे जो है फर्स्ट वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग की संज्ञा दी गई क्योंकि ये इस बार वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है जी हाँ ये हैं प्रकाश जावड़ेकर ठीक है और किस संगठन ने चंद्रमा का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है तो यानी कि कलरफुल है ये बहुत ही दिलचस्प है ये मैप आप देख सकते हैं चंद्रमा का जो धरातल है उसका मैप आपके सामने है और इसे जारी किया गया है किसके द्वारा देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यू एस के द्वारा इसे जारी किया गया है तो नासा के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे यू और लूनर प्लानिट्री इंस्टीट्यूट की मदद से इस मैप को बनाया है तो जो लोग जिनका इंटरेस्ट ज़्यादा है वो लोग इसको आराम से देख सकते हैं और ये फ्रीली अवेलेबल है सबके लिए इंटरनेट पर ठीक है इसको आप जो है मून मैप बाई यू एस जी सर्च करके देख सकते हैं विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2020 की थीम क्या है मुख्य विषय क्या है 91 वन सही बात दोस्तों इसका क्या होगा उसके पहले आप लोग ये बताइए कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है तो ये प्रतिवर्ष पच्चीस अप्रैल को मनाया जाता है शुरुआत इसकी दो हज़ार एक से हुई है और इसकी जो थीम है वो है पशु और मानव स्वास्थ्य में सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण यानी कि विकल्प सी इसका सही आंसर है नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के अस्थाई न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया चार विकल्प हैं यहाँ पर और सही जवाब है ऑप्शन ए न्यायमूर्ति राजेश अग्रवाल ने दो अप्रैल को शपथ ली है ठीक है तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है एशियाई युवा खेल 2021 किस शहर में आयोजित किए जाएंगे एशियाई युवा खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे सही जवाब है सांझाऊ चीन में कब होगा आयोजित ये भी आपको बताना बताना पड़ेगा आपको याद होना चाहिए तो इसका आयोजन किया जाएगा बीस नवम्बर से लेकर अट्ठाईस नवंबर 2021 ठीक है और एशियाई खेलों का यह तीसरा संस्करण होगा जिसमें कुल 18 खेल शामिल होते हैं ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारतीय वायुसेना किस देश में आवश्यक दवाओं का परिवहन कर रहा है तो भारतीय वायुसेना ऑपरेशन संजीवनी के तहत मालदीव में ज़रूरी जो लाइफ सपोर्टिंग मेडिसिन और सुरक्षा उपकरण हैं उनको पहुंचाया जा रहा है भारतीय वायुसेना के द्वारा तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कुल मिला के अगर देखा जाए तो सिक्स पॉइंट टू टन दवा भेजी गई है और इसके अलावा इसमें बहुत सारे सुरक्षा उपकरण भी हैं विश्व खेल दो हज़ार बाईस का आयोजन कहाँ पर होगा तो चार विकल्प हैं सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि अलबामा, यूएसए में और एक बात दोस्तों आप लोग और भी याद रखिएगा कि विश्व खेल का आयोजन चार वर्ष पर होता है इसकी फ्रिक्वेंसी फोर ईयर है और इसमें कुल बत्तीस खेल खेले जाते हैं ऐसे खेल जो कि ओलंपिक में नहीं होते हैं वो खेल इसमें शामिल होते हैं पहली बार इसका आयोजन हुआ था कब उन्नीस में कहाँ पर हुआ था यू में हुआ था और 2022 में इसका आयोजन बर्मिंगहम अलबामा संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाएगा ठीक है नेक्स्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ विलय किया है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ विलय किया है तो सही जवाब इसका ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइंट के साथ ठीक है तो ऑप्शन डी यानी ग्लैक्सो के साथ उन, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने विलय कर लिया है अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस ये कब मनाया जाता है तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा देखिए इसका सही जवाब है दो अप्रैल प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी एट पर आते हैं फिलिप एंडरसन जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार उन्होंने जीता था तो उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में और नोबेल पुरस्कार उनको मिला था नाइनटीन में ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी नाइन पे आते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे 2020 का स्लोगन या टैगलाइन क्या है वर्ल्ड हेल्थ डे ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड हेल्थ डे प्रतिवर्ष सात अप्रैल को मनाया जाता है ठीक है और इसकी टैगलाइन है सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है ठीक है थीके? और पशु अधिकार संस्था पेटा द्वारा लॉकडाउन के समय पशुओं के लिए धन आवंटन करने पर किस मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है तो ये मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक ऑप्शन ए तो दोस्तों ये था अप्रैल 2020 का संपूर्ण करंट अफेयर्स और इसकी पी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्सन आप लोग चेक करें वीडियो पसंद आया तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें ताकि हर महीने का जो करंट अफेयर्स का वीडियो है वो मैं आपको अवेलेबल करवा सकूं क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है तो शेयरिंग इज़ केयरिंग मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए आज्ञा दीजिए नमस्कार जय हिंद